सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल जो कि है थिंक्स यू कैन। एंड थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का जिन्होंने भी मेरे को 700 सब्सक्राइबर करने में एक टारगेट पूरा हुआ है, अभी और भी होगा। तो गाइज़, आज का मेरा टॉपिक आपने देख लिया है थंबनेल। तो मैंने अभी एक लेंस कस्टम मेड बनवाया है, मेरे पास 700 फोकल लेंथ था, बट उसकी वजह से और जूम नहीं मिल पा रहा था। मतलब वो बहुत अच्छा है, और उसमें आगे एक स्टेप फर्दर होने के लिए हमें हाई फोकल लेंथ चाहिए। तो ये एक लेंस बनवाया है 75mm का, जिसका फोकल लेंथ है 1000mm। और ये देखिएगा, इस अनबॉक्सिंग करते हुए दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसकी पैकिंग कितनी अच्छी है। ये फॉर्म था चारों तरफ, कुछ डैमेज नहीं हो सकता था, और इसमें भी अभी बबल पेपर से इस पर लपेटा गया है, अगर ये गिरे भी बाई चांस तो कुछ ना हो। तो गाइज, अब इस लेंस के कारण अब मेरे पास 100x का पावर हो गया है, और अगर मैं उसमें बालो ऐड करूँगा, 3x बालो या 2x बालो, जैसे मेरे पास 3x बालो है, तो 3x3 आप कर सकते हैं, तो कितना हो गया 300 पावर। तो आप सोचिए कितनी जूम पावर बढ़ जाएगी एक प्लेनेट को देखने के लिए, स्टार को देखने के लिए। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो मैंने सोचा पहले अनबॉक्सिंग एंड कंस्ट्रक्शन आपके ही साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करी जाए, जिससे कि आपको भी सारा कुछ एक वीडियो में कंफ्यूजन ना हो। तो देख रहे हैं गाइस, जैसे कितनी पैकिंग प्रॉपर करके दी है कि कहीं से भी आई है तो प्रॉपर आए, कहीं कुछ डैमेज ना हो। और ये 75mm का लेंस है। तो और ये दूसरा गाइस, एक बार मैं इसकी टेस्टिंग वगैरह करूँगा, तब आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो में दिखाता रहूँगा। तो देखिए गाइस, इसमें अब कॉटन लपेटा हुआ है चारों तरफ से, और पेपर भी कितना सॉफ्ट है, ग्लास पेपर इस पर लपेट के दिया है। ये देखिए कॉटन की पैकिंग, एक और फिर एक और पेपर, अरे वाह, पैकिंग के लिए तो 10 out of 10 है, बेस्ट पैकिंग है ये अभी तब तक की। अब देखिए लेंस ओपन हो रहा है धीरे धीरे, और ये हमारा लेंस आ गया है 75mm का। और इस पे देखिए गाइस कितना प्यारा लेंस है। तो अब जैसे आपने लेंस देख ही लिया है गाइस, अब आपको पता है कि मेरी फोकल लेंथ 1000mm है। तो फोकल लेंथ 1000mm है, तो गाइस हमें पता कैसे लगेगा कि मैनुअली आप आइडिया कैसे लगाएं आपकी फोकल लेंथ कितनी है? तो सीधा ट्यूब हर किसी के घर पे होती है गाइस, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था पीछे। तो ट्यूब तो क्या है, ये क्या है, अगर आप लेंस को जिस पोजीशन पे हाथ से पकड़ लेंगे और बिल्कुल पैरेलल लगाएंगे ट्यूब के, तो आप इसे थोड़ा कुछ डिस्टेंस पे रख के आगे पीछे करेंगे, तो ये बिल्कुल जो ट्यूब का एक इमेज बन रहा है, रिफ्लेक्शन है, सेम ही रिफ्लेक्शन इन्वर्टेड फॉर्म में आपको जैसे दिखा रहा हूँ मैं ऐसे दिखेगा। तो अगर आप इस पोजीशन पे जहाँ पे परफेक्ट एजेस दिख जाते हैं ट्यूब के, वहाँ पे आप रोक के एक मेजरिंग टेप, इंच टेप या जो भी है, उससे आप आइडिया ले सकते हैं। तो देखिए सामने बिल्कुल परफेक्ट एक ट्यूब का इमेज बन रहा है, जहाँ पे सॉकेट लगा हुआ है उसके ऊपर जस्ट। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे परफेक्ट हो चुका है। तो ये ऐसे आप इस तरह से इसकी फोकल लेंथ को आइडिया ले सकते हैं कि एक्चुअल में फोकल लेंथ कितनी है। तो चलिए अब देखते हैं इसके पाइप जो मैं खरीद के लेके आया हूँ वो दिखाता हूँ आपको। तो गाइस अधिकतर मेरे से सब्सक्राइबर क्वेश्चन करते हैं कि पाइप का, बार बार पूछते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है फिर भी। इससे देखिए मैंने इंच टेप कैसे फिक्स कर रखा है, ऐसे ही अटका हुआ है ये। तो देखिए गाइस, जैसे 1000mm फोकल लेंथ है तो हमें उससे एक्स्ट्रा लेनी है, क्योंकि उसमें हमें काफ़ी करेक्शन करने होते हैं, कम छोटा बढ़ाना, छोटा ही करना होता है क्योंकि हमारे पास बड़ा साइज है। तो अगर छोटा हो गया तो फिर हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, नया पाइप लेके आना पड़ेगा। तो मैंने कम से कम जो इसमें 1 meter है, 1 meter के बाद मैंने इसमें 200 एक्स्ट्रा रखा है, यानी 1200mm का पाइप ले सकते हैं इसके लिए मार्केट से, हार्डवेयर की शॉप पे, ठीक है गाइस। और ये 75mm का पाइप ईजीली मिल जाता है। तो ये मेरे पास पहले से ही था, ये कपलर है 75mm के, दोनों तरफ पाइप लग जाता है, तो आप इसे मार्केट से ले सकते हैं, और इसमें इजीली फिक्स हो गया हमारा लेंस। और अब हमें पाइप में स्क्रू लगाने हैं, जो कि बेस प्लेट के लिए। बेस प्लेट इतनी अच्छी प्लेट है गाइज ये, क्योंकि मैंने 1 time इन्वेस्टमेंट करा है, और ये किसी भी टेलीस्कोप को सपोर्ट करती है, चाहे कितने काफ़ी भारी क्यों ना हो, और स्लाइड भी होती है देखिए, और प्योर मेटल की बेस प्लेट है ये,
मतलब स्टार्टिंग से मैं सिर्फ सारे टेलीस्कोप मेरे जितने भी अभी आई थिंक ये चौथा टेलीस्कोप होगा मेरा, तो उस पे मैं ये फिक्स करता हूँ सीधा ऐसे स्क्रू अपने इस आइडिया से लगा लगा के। ये स्क्रू इसके साथ आते ही हैं, ये हमारा फोकसर है, वहाँ पे हमारा लेंस लगेगा आगे की तरफ, और ये बेस प्लेट हमारी सेंटर में रहनी चाहिए क्योंकि बैलेंस होना चाहिए। और इस तरह से आप स्क्रू ड्राइवर की पिन से इसमें होल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लगा के कोई भी शार्प एज चीज़ हो इस तरह से थोड़ा प्रेस करके कर सकते हैं। बट ध्यान रहे कि आपका ये जो होल बनाए इसका साइज़ आपके स्क्रू, ये वाला स्क्रू के साइज़ से बड़ा ना हो जाए, अदरवाइज ये फ्री हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये स्क्रू ही इसे टाइट करके फिक्स करेंगे। आई मीन फिर शेक जो आएगी हम जब ऑब्जेक्ट देखते हैं तो वो नहीं आएगी। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको ट्राईपॉड के साथ असेंबल करके। तो गाइस देखिए कितना लंबा टेलीस्कोप हमारा तैयार हो चुका है, और ट्राईपॉड आपको सब पता है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। ये ट्राईपॉड भी काफ़ी हैवी लोड झेल लेता है, सिंपेक्स का ट्राईपॉड है ये, और फोकसर हमारा रखा हुआ है जो कि 1.25 mm का इसका डाया है, जो आईपीस का डाया होता है। और ये देखिए गाइस आईपीस भी मैंने इसमें लगा रखा है। कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ये टेलीस्कोप, जब आप खुद बनाएंगे देखेंगे तो ये काफ़ी वाइड है, लंबा है, 1000 फोकल लेंथ, काफ़ी अच्छी फोकल लेंथ होती है। और अभी इसमें काफ़ी काम है गाइस, तो मैं जैसे जैसे आपको आगे बताता रहूँगा तो आप भी उससे देखते रहें। और आजकल स्काई में शाम को दिन ढलते हुए एक स्टार सबसे पहले चमकता है, वो है हमारा कौन सा है, वो है हमारा वीनस। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस वीनस अभी आपको दिखेगा, एक मिनट, एंड ये रहा। तो जैसे पंछी गया, ये वीनस है गाइस, आप दिन में भी इसे देख सकते हैं, ये हल्का सा वाइटिश ब्लूइश ब्लूइश टाइप का चमकता है ये जब आप लेंस से देखेंगे। तो वही है, इसको परफेक्ट इसके कलर मैच करने, इसके सब कुछ मैच करने के लिए इसका प्रॉपर अलाइनमेंट जरूरी है लेंस की पाइप के साथ। कहीं पे भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो प्रॉपर एब्रिएशन आ जाएगा कुछ कलर का, तो उसी के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब गाइस जैसे ये हमने बना दिया, तो जब मैंने इसे चेक करा तो इसमें गाइस फोकस ढंग से नहीं आ रहा था, तो ये हमारा डायगनल है जिससे कि करेक्ट इमेज दिखती है। अब डायगनल लगाएंगे तो थोड़ा डिस्टेंस और बढ़ जाएगा आईपीस के साथ। तो जब मैंने देखा ये जो आईपीस जहाँ पे इस वक्त मैं रख रहा हूँ ये आईपीस, तो यहाँ पे इसका इमेज क्लियर बन रही थी। और दूसरा गाइस, आप सबसे पहले प्लेनेट को ना देखिए जब भी आप टेलीस्कोप बना रहे हैं, पहले सामने बिल्डिंग्स होती है आपके छत पे खड़े होकर उन्हें देखिए, अगर वो परफेक्ट फोकस हो जाती है तब आप तो आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने देखा कि मेरा आईपीस यहाँ होगा, तो अब मेरे को पाइप को काटना पड़ेगा इतना, जब मैं पाइप को इतना काटूंगा तो तब जाके मेरे को फोकस अच्छा मिलेगा। जहाँ पे ये मार्किंग हो रखी है ना प्रकाश, तो मेरे को पाइप को यहाँ तक काटना पड़ेगा, तभी मेरा फोकस इजीली फिक्स होगा। और अभी इसमें काफ़ी काम बाकी है गाइस, तो मैं इसमें आपको अभी ये जोड़ वोड़ के फिर आपको एक आगे और नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच।